स्वर्ग का अमृत पीने से क्या हो जाएगा, वो देवताओं ने तो पिया ही है, अगर उससे तृप्ति होती तो फिर वो सत्संग क्यों मांगते। तो देवता भी सत्संग मांग रहे हैं और यहाँ सत्संग मिल रहा है, लेकिन अभी अगर कोई देवी देवता आ जाए स्वर्ग का अमृत लेके तो तुम सत्संग में नहीं बैठोगे, उठ के भाग जाओ, मैं मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो। और क्या करते हो भगवान के पास जाके और क्या मांगते हो। कबीरदास जी ने कहा, दुनिया देखो अजब दीवानी, भक्ति भावना बूझे। भक्ति भगवान की, भक्ति कोई नहीं मांगता। कोई आवे बेटा मांगे, बेटा नहीं है तो बेटा मांग रहा कोई, कोई आवे बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा मैं बड़ा दुखी हूँ हम पर कृपा। जो जीवन मिला है, आपने जीवन 20 साल जिया है कि 30 साल जिया है कि 40 साल जिया है कि 60 साल जिया है कि 70 की 80 90 की 100 की 200, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुमने जीवन को जीवन के ढंग से जिया है कि नहीं, और जीवन की अनिवार्य जो मांग है जो चाह है उसको पाया है कि नहीं, उस लक्ष्य को पाया है कि नहीं। अगर वो लक्ष्य को नहीं पाया तो ततः किम ततः किम, आखिर लंबी आयु पाई और चिर आयु को पाया और चिर आनंद को नहीं पाया तो एक दिन तो मरना ही है। इसलिए अनिवार्य है, जीवन की मांग है कि हम चिर आनंद को पाएं, ऐसा आनंद जो कभी कम ना पड़े, अखूट हो। अच्छा, आप लोगों ने कभी भागवत श्रवण किया होगा, कहीं भागवत में गए हो, भागवत कथा में गए हो, उसमें एक प्रसंग आता है कि जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत की कथा का अमृत पिलाते हैं तो स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आते हैं, ये सुना है, भागवत में प्रसंग आता है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी सत्संग का अमृत पिलाते और देवता स्वर्ग का अमृत लेके आते और कहते महाराज हमें सत्संग का अमृत पिलाइए, बदले में हम स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला देंगे। और राजा परीक्षित को जो श्राप मिला है कि 7 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी है, तो ये मरेगा नहीं अमर हो जाएगा, बदले में हमें सत्संग सुनाओ। तो बताओ, स्वर्ग का अमृत देवता लेके आए हैं धरती पर और सत्संग का अमृत मांग रहे हैं स्वर्ग के अमृत के बदले, तो जरूर स्वर्ग के अमृत से सत्संग का अमृत ऊंचा होगा कि नहीं होगा, बोलो। स्वर्ग के अमृत की कीमत से ज्यादा कीमत सत्संग के अमृत की होगी कि नहीं होगी। तो सुखदेव मुनि बोले कि देवता बड़े चतुर बनते हो है, गंगा जल साधारण जल देकर के गंगा जल लेना चाहते हो, लोहा देकर के सोना लेना चाहते हो, स्वर्ग का अमृत पीने से क्या हो जाएगा, वो देवताओं ने तो पिया ही है, अगर उससे तृप्ति होती तो फिर वो सत्संग क्यों मांगते। तो देवता भी सत्संग मांग रहे हैं और यहाँ सत्संग मिल रहा है, लेकिन अभी अगर कोई देवी देवता आ जाए स्वर्ग का अमृत लेके तो तुम सत्संग में नहीं बैठोगे, उठ के भाग जाओ, मैं मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो। और क्या करते हो भगवान के पास जाके और क्या मांगते हो। कबीरदास जी ने कहा, दुनिया देखो अजब दीवानी, भक्ति भावना बूझे। भक्ति भगवान की, भक्ति कोई नहीं मांगता। कोई आवे बेटा मांगे, बेटा नहीं है तो बेटा मांग रहा कोई, कोई आवे बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा मैं बड़ा दुखी हूं हम पर कृपा कीजिए जी। तो कोई बेटा मांग रहा, कोई बेटी मांग रहा, कोई पद मांग रहा, कोई धन मांग रहा है, लेकिन मुक्ति कोई नहीं मांग रहा, भगवान को कोई नहीं चाहता, सब नश्वर को ही चाहते हैं और इसलिए दुखी हैं। दुख भगवान ने नहीं बनाए, हम काम ही ऐसे करते हैं कि हमारा दुख निर्मित होता है, भगवान ने कोई दुख नहीं बनाए। हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे दुख बनता है। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि अरे देवता चतुर लोग, फिर राजा परीक्षित को कहते हैं, अच्छा राजा परीक्षित तुम बताओ तुम स्वर्ग का अमृत पीना चाहोगे। बोले महाराज ये बताओ कि स्वर्ग के अमृत की खासियत क्या है और सत्संग की अमृत की खासियत क्या है। बोले स्वर्ग का अमृत पी लिया तो अमर हो जाओगे, चिर आयु को प्राप्त हो जाओगे, चिर आयु समझते हो ना, लंबी आयु को प्राप्त हो जाओगे, हजारों वर्ष लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष स्वर्ग में रह सकते हो। और बोले महाराज सत्संग का अमृत क्या फल देता है, क्या फल देता है। बोले चिर आयु तो नहीं दे सकता लेकिन चिर आनंद दे सकता है। बोले महाराज चिर आयु और चिर आनंद, अरे भैया
लंबी आयु मिल भी गई और परेशान रहे तो क्या फायदा है? जो जीवन मिला है, आपने जीवन 20 साल जिया है कि 30 साल जिया है कि 40 साल जिया है कि 60 साल जिया है कि 70 की 80 90 की 100 की 200, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुमने जीवन को जीवन के ढंग से जिया है कि नहीं, और जीवन की अनिवार्य जो मांग है, जो चाह है, उसको पाया है कि नहीं, उस लक्ष्य को पाया है कि नहीं? अगर वो लक्ष्य को नहीं पाया तो ततः किम, आखिर क्या, हजारों वर्ष जी लो ना। देखो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज हो गए ना, नाम सुना ज्ञानेश्वर महाराज का, जहां आलंदी में उनकी समाधि है। तो ज्ञानेश्वर महाराज की उम्र 22 वर्ष थी और एक योगी थे चांगदेव, उनकी उम्र 1400 वर्ष थी। लेकिन 1400 वर्ष वाले चांगदेव से ज्ञान को पाए हुए, आत्मानंद ब्रह्मानंद को पाए हुए ज्ञानेश्वर महाराज उनसे ऊंचे थे। क्यों? आयु तो उनकी लंबी थी, लेकिन वो उनके पास आते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं। आयु लंबी होने से कुछ नहीं होता, जो आयु मिली उस आयु में। और इसलिए बहुत सारे महापुरुष, विवेकानंद 40 साल की उम्र से पहले ही शरीर छोड़ दिए, लेकिन विवेकानंद ने कुछ पा लिया। स्वामी राम तीर्थ 33 साल की उम्र में उस परमात्मा को पा लिया। शबरी ने 21 वर्ष की उम्र में गुरु के द्वार पर चली गई, गुरु कृपा को पाया। मीरा ने पाया। तो उस परमात्मा को पाने की पहली बात तो कोई उम्र नहीं होती, उस परमात्मा के ज्ञान को पाना है तो मां के गर्भ में भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अष्टावक्र का नाम सुना होगा, जनक के गुरु अष्टावक्र मुनि मां के गर्भ से ही ज्ञानी होकर के पैदा हुए, ऐसा वो ज्ञान है। तो अनिवार्य है कि हम उस परम आनंद को, चिर आनंद को पाएं। चिर आनंद माने, चिर आनंद क्या होता है? खाने पीने का जो आनंद है वो आनंद नहीं, उसको सुख बोलते हैं, है ना? और जो सुख आएगा तो दुख आएगा ही आएगा। खाने पीने से क्या आनंद मिलता है कि सुख मिलता है, बोलो? कान से जो चीज सुनी जाती है उससे आनंद मिलता कि सुख मिलता है? सुनने का सुख है, आंख से देखने का सुख है, नाक से सूंघने का सुख है, जीभ से खाने का सुख है, और स्पर्श इंद्रियों से स्पर्श करने का सुख है। पांच विषयों के पांच सुख हैं, लेकिन वो सुख जहां है वहां दुख है, आनंद से इसका कोई लेना देना नहीं। ये विषय सुख है, इसे विषयानंद बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जो आत्मा का सुख है उससे आत्मानंद। तो अगर हमने लंबी आयु पाई और चिर आयु को पाया और चिर आनंद को नहीं पाया तो एक दिन तो मरना ही है। इसलिए अनिवार्य है, जीवन की मांग है कि हम चिर आनंद को पाएं, ऐसा आनंद जो कभी कम ना पड़े, अखूट हो, कभी खूटे नहीं, ऐसे आनंद। और वो आनंद कहाँ है? वो आनंद सबके भीतर है। संत कबीरदास जी ने कहा, आनंद स्रोत बह रहा अपने भीतर, मन तू क्यों उदास है? तेरे भीतर आनंद का स्रोत है फिर भी तू उदास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है, मछली जल में फिर भी प्यासी है। ऐसी आनंद भीतर है और फिर भी हम उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं। जलविच कमल, कमलविच कलियां, तापर भवर लुभासी, मृगनाभि में है कस्तूरी, बनवन फिरत उदासी। कस्तूरी जो होती है नाभि में मृग के, और उसकी सुगंध के कारण बावरी होकर के घूमते रहती। ऐसी हम भी भटक रहे हैं 84 लाख में कि वो सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए। कौन सा? चिर आनंद। तो चिर आनंद बाहर नहीं, सबके भीतर है। सत्संग उस चिर आनंद की तरफ यात्रा कराता है, गुरु का ज्ञान उस चिर आनंद की तरफ लेके जाता है, सदगुरु हमें उसी चिर आनंद की तरफ लेके जाते हैं। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते, क्या पियोगे? तो उन्होंने कहा, महाराज हमें सत्संग का ही अमृत पिलाइए, ऐसा अमृत जो शरीर को अमर करे ना करे, लेकिन आत्मा परमात्मा से मिला करके परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है, वो आनंद हमें पिलाइए। तो हमारे बापू जी ने नगर नगर, डगर डगर घूम घूम करके सारे भक्तों को, साधकों को वही चिर आनंद पिलाया है, वही परम आनंद पिलाया है। तो आपको भी इस सत्संग के माध्यम से वो आनंद मिलेगा, लेकिन एकाग्रता से, ध्यान से सुनोगे तो।
हरि ओ तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन जागने के लिए है। नानक जी ने भी कहा मनुष्य जीवन जागने के लिए। बोलो सभी मेरे साथ, जागो रे जिन जागना। बोलो सभी, जागो रे जिन अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानिका जब सोए पांव पसार। जागो लोगो मत सो, न करो नींद से प्यार, जैसे स्वप्ना रहने का तैसा ये संसार। तो जीव कहाँ कहाँ सोया।